निफ्टी की वैल्यू ने अपने ऑल टाइम हाई को टच कर लिया है और 18,600 के लेवल को क्रॉस कर दिया है। अगर आप स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो दिस कुड बी द बेस्ट टाइम, आप जहां पर इन्वेस्टमेंट कर सकते हो और अच्छे खासे प्रॉफिट बुक कर सकते हो। और तो और हाल ही में बैंक ऑफ अमेरिका सिक्योरिटीज ने ये कहा है कि निफ्टी की वैल्यू आने वाले टाइम पीरियड में 5% से इंक्रीज हो सकती है। आने वाले साल 2023 यानी जनवरी के मंथ में ही आपको 5% तक का अपसाइड ट्रेंड देखने को मिलेगा, तो यहाँ पर डेफिनेटली आपको इन्वेस्टमेंट करना है। अगर आप लोगों ने मार्केट को ऑब्जर्व किया है तो निफ्टी में अचानक से इतना बड़ा अपसाइड ट्रेंड देखने को मिला है और अचानक इतने अच्छे रिटर्न देखने को मिले हैं। इसके पीछे का रीजन ये है कि हाल ही में इंडिया के इन्फ्लेशन का फिगर सामने आया है और इंडिया का इन्फ्लेशन नोट किया गया है 6% से कम, जो कि अगर 11 महीने की बात की जाए तो 11 महीने में ये सबसे कम है और यहीं पर इन्वेस्टमेंट करने का एक बेस्ट ऑप्शन टाइम होता है। अब हम बात करते हैं आदित्य बिरला कैपिटल के बारे में। आदित्य बिरला कैपिटल अपनी 19 साल पुरानी ब्रोकिंग फर्म को बेचने वाला है और यहाँ पर इसके लिए डील करने वाला है। आदित्य बिरला कैपिटल ने इस ब्रोकिंग फर्म से बहुत सारे पैसे कमाए थे और मार्केट में बहुत अच्छा नाम कमाया था। अगर आपने आदित्य बिरला कैपिटल के शेयर्स को ऑब्जर्व किया होगा तो इस न्यूज के बाद आदित्य बिरला कैपिटल में बहुत ज्यादा वोलेटिलिटी क्रिएट हुई है और इसी के साथ साथ बहुत ज्यादा फ्लक्चुएशन देखने को मिले हैं। आदित्य बिरला कैपिटल की इस डील को लेकर कोई भी अगर न्यूज आती है तो एज सून एज पॉसिबल मैं आपके साथ शेयर करूंगा। अगर आप आईपीओस में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो आप ड्रोन्स के आईपीओस में भी इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। जी हाँ, ड्रोन जो उड़ता है वो। इस कंपनी का नाम है द्रोणाचार्य एरियल और इस कंपनी का जो ग्रे मार्केट प्रीमियम है वो 23 रुपीज के आसपास ट्रेड कर रहा है। मैंने आपको इंडिया के इन्फ्लेशन इंडेक्स के बारे में बताया था, अब मैं आपको बताता हूँ यूएस के इन्फ्लेशन इंडेक्स के बारे में। यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका का कंज्यूमर इन्फ्लेशन का जो रेट है वो इंक्रीज हो चुका है और यहाँ पर जो वैल्यू है वो 7.1% की नोट की गई है। अगर मैं इंडिया के इन्फ्लेशन की बात करूँ और यूएस के इन्फ्लेशन की बात करूँ तो यहाँ पर सीधा 1.1% का डिफरेंस है। 1.1% का इन्फ्लेशन में डिफरेंस भी बहुत बड़ी बात होती है। जोमेटो और पेटीएम के शेयर्स लगातार गिरते ही जा रहे हैं। वहीं पर पॉलिसी बाजार के मैनेजमेंट ने ये डिसाइड किया है कि पॉलिसी बाजार के साथ ऐसी सिचुएशन क्रिएट नहीं होनी चाहिए, क्योंकि जोमेटो और पेटीएम के जैसे पॉलिसी बाजार भी एक फिनटेक कंपनी है और यहाँ पर मोस्ट ऑफ केसेस में ऐसा लगता है कि आने वाले टाइम पीरियड में इस कंपनी के शेयर्स की प्राइस गिरेगी। हाल ही में नितिन गडकरी जी ने यह अनाउंस किया है कि कार में जो लगने वाले एयरबैग्स होते हैं वो कार के पैसेंजर के लिए बहुत ज्यादा सेफ नहीं है। इसके अलावा भी बहुत सारी चीजें होनी चाहिए कार में कंज्यूमर के सेफ्टी के लिए। अगर आप लोगों ने पिछले एक हफ्ते में ऑब्जर्व किया है तो ऑटोमोबाइल के सेक्टर्स में बहुत सारी कंपनीज के शेयर्स में रैली देखने को मिली है, क्योंकि इसके पीछे के बहुत सारे रीजंस हैं और अगर आपको इन्वेस्टमेंट करना है तो यहाँ पर आप ऑटोमोबाइल के सेक्टर में भी इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं।